ये हमारी ही सरकार है जिसने पहली बार दिव्यांग जनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया। इस कानून का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो 7 अलग अलग तरह की कैटेगरी होती थी उसे बढ़ाकर अब 21 कैटेगरी कर दिया गया। इतना उसका विस्तार किया गया, यानी हमने इसका दायरा बढ़ा दिया। इसके अलावा दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया। साथियों, ये भी हमारी ही सरकार ने, जिसने न सिर्फ दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए, बल्कि सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण बढ़ाकर दिव्यांगजनों के लिए 3% से बढ़ा करके अब 4% कर दिया है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए भी उनका आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अपने दिव्यांग साथियों का कौशल विकास भी हमारी प्राथमिकता रही है। सरकार ने 2 लाख साथियों को स्किल ट्रेनिंग दी है और अब 5 लाख दिव्यांग साथियों को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे की उचित भागीदारी बहुत आवश्यक है। चाहे वो उद्योग हो, सेवा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, दिव्यांगों के कौशल को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी दिव्यांगों से जुड़ी खेल स्पर्धाएं हुई हैं, उनमें भारत का प्रदर्शन, हमारे दिव्यांग साथियों ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। आप कल्पना कर सकते कितनी बड़ी मजबूत संकल्प शक्ति होगी, तब जाके दुनिया के मैदान में भी मेरे देश के दिव्यांग जन भारत का तिरंगा फहरा करके आते। दिव्यांगों के इस कौशल को और निखारने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस सेंटर में ट्रेनिंग, सिलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, मेडिकल सुविधाएं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जो भी तैयारियां चाहिए उनकी सुविधा हमारे दिव्यांग जनों को यहां दी जाएगी।